ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, जगत को सत्य रूप में जानना यही भ्रांति है, मूढ़ता है। उसे मिथ्या अर्थात कल्पित समझना यही उचित समझ है। हे राघव, तत्वता अहंता आदि सब विभ्रम विलास शांत शिव स्वरूप शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही है। इसलिए मुझे तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता। हे राम, सब शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है, मिथ्या है, और मिथ्या जगत को सत्य मानना कल्पना और मूढ़ता के अलावा कुछ नहीं। बोले, जगत ब्रह्म है तो दिखता तो जगत है, फिर ब्रह्म कैसे हुआ? चीज वस्तु पदार्थ हमारे सामने दिखती है और आप कहते हैं ब्रह्म है, कैसे हुआ ब्रह्म? हम कहते हैं कि ये भी ब्रह्म है, ये जो दिख रहा वो भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। आप कहोगे कि दिखता टेबल है, दिखता माइक है, दिखता कपड़ा है, और आप कहो ब्रह्म कैसे माना जाए? हम आपको कहते हैं, ये लोटा लो, इसमें गंगा जी ले आओ, गंगा जल ले आओ। आप लोटा लिए, जाके गंगा जल ले आए। अब हम आपको पूछते हैं कहाँ है गंगा जी? आप कहते हैं यही है गंगा जल। तो गंगा जी में तो मछलियां भी है, गंगा जी में तो पत्थर भी है, फिर इसमें तो न मछलियां हैं और न पत्थर है, मैं कैसे मानूं कि ये गंगा जल है? क्योंकि इसको मैंने गंगा जी से उठाया है। अगर वो छोटे पात्र में आ गई तो भी वो गंगा जी है, बड़े पात्र में आई तो भी वो गंगा जी है। जरूरी नहीं है कि उसमें मछलियां हो तो ही वो गंगा जी, तो ही वो नदी का जल है। पूरी की पूरी नदी आपको उठा के लाने को कहे, आप क्या कहोगे? पूरी तो नदी नहीं आ सकती, पर जितना आपके पास पात्र है उस जल का थोड़ा सा सैंपल कटोरी में, लोटे में, थाली में, चम्मच में, जो भी आपके पास पात्र है, तो आप नकार नहीं सकते कि ये गंगा जी नहीं है। नकार सकते हैं क्या? आपकी अंजलि में यदि गंगा जल है तो ये गंगा जी ही है, आप इसे नकार नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार पात्र चाहे टेबल हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतना हो, पर वो सभी एक स्वरूप हैं। जैसे गंगा जी तो लंबी चौड़ी है, गंगा जी में मछलियां भी है तो गंगा जी में पत्थर भी है, गंगा जी में बालू भी है, पर आप उस गंगा जल को जितने पात्र में उठाते हैं वही आपके काम का है और वो गंगा जल ही है, आप नकार नहीं सकते। नींबू का शरबत बनाया, घर में चावल बनाया, दाल बनाई, तो दाल चावल सब्जी रोटी बनाया तो बहुत सारा, 100 जन का बनाया, 500 का बनाया, 700 का बनाया, 1000 का बनाया, जो भी बनाया, अगर आप देखना चाहो कि चावल कच्चे बने कि पक्के बने, आपको सारी देख खाने की जरूरत है क्या? ना। नींबू का शरबत में शक्कर ज्यादा है या खट्टा ज्यादा है या नमक ज्यादा है, ये चखने के लिए आपको एक बूंद काफी है। जो एक बूंद में है वही पूरी टंकी में है, जो आपके चावल का एक दाना आपके हाथ में है वही पूरी देग में है। ठीक, आप समझ जाते हैं, चावल का दाना कच्चा है तो पूरी देग कच्ची है, नींबू का शरबत एक बूंद अगर खट्टा है तो पूरा टंकी खट्टा है। तो जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, उसके लिए जो व्यष्टि सो समष्टि, जो एक बूंद में है वही पूरी टंकी में है। एक बूंद सागर का जल जैसा है, पूरा सागर वैसा ही है।
तो उसी परमात्मा के आप अंश हैं, तो क्या हो सकते हो? परमात्मा ही हो सकते हो, परमात्मा के सिवा अन्य कोई और नहीं हो सकते। जैसे सागर की बूंद सागर है, नदी की बूंद नदी है, ठीक उसी प्रकार समस्त जगत परमात्मा स्वरूप है। तो जो भी भासित होता है, जो भी आकार लिए रहता है, वो सभी परमात्मा है। पर हमने उसको मिथ्या जाना, हमने जो सत्य है उसे असत्य कर दिया, जो असत्य है उसे सत्य जाना। अविद्या वही है। जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं, जो बोलता है, जो दिखता है, जो कार्य होता है, जो कार्य करता है, सभी कुछ परमात्मामय है। पर हमने भिन्न भिन्न नाम इसीलिए रखे हैं कि हमारे व्यवहार की जानकारी के लिए, हम व्यवहार कर सकें उसी लिए। पर वो व्यवहार के चलते, उसी के चक्कर में हम उलझ गए, परमात्मा तो दूर रह गए और हम नाम रूपों में उलझ गए। सोने की चूड़ी है, सोने की चेन है, सोने की अंगूठी है, सोने की इयररिंग है, सब सोने की है, अच्छी बात है। हम आपको पूछते हैं ये क्या है, आप कहोगे सोने की अंगूठी, ये क्या है तो सोने की चूड़ी है, ये क्या है तो सोने की चेन है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, चेन है, अंगूठी भी है, चूड़ी भी है, कंगन भी है, सब है। पर अगर मैं आपको कहूं कि अगर मैं चेन इसका नाम हटा दूं, कंगन इसका नाम हटा दूं, चूड़ी इसका नाम हटा दूं, तो क्या है तो आप कहोगे सोना है, ठीक। अगर वो चेन नहीं है, चेन है वो नाम आभूषण, ठीक है आपकी जानकारी के लिए, पर मूलतः क्या है, तो मूलतः वही सोना है। ठीक उसी प्रकार ये माई है, ये भाई है, ये इस जाति का, ये उस जाति का, ये कीट है, ये पतंग है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये वृक्ष है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये है, वो सब अगर नाम हटा दो तो क्या है, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। पर दृष्टि नहीं जाती, दृष्टि नहीं है, तो जैसे लकड़े में आग छिपी है, हम आपको कहते हैं कि इसमें आग है, आपको दिखती नहीं, दिखेगी नहीं, जलानी पड़ेगी ना। दूध में मक्खन है, दिखता है क्या? नहीं दिखेगा। पर दूध को जमाओ, दही जमाओ, दही बिलो, छाछ बनाओ, छाछ को बिलो, मक्खन निकलेगा। ठीक वैसे सत्संग रूपी जावन से चित्त की वृत्तियों को जमाओ और स्थिर करो। सेवा रूपी अमृत डालो, जल डालो, तब फिर जाके कृपा रूपी बिलोनों से बिलोगे तो परमात्मा रूपी मक्खन ऊपर तैरेगा, बैठे बिठाए नहीं दिखेगा। है तो सही, दूध में मक्खन ओतप्रोत है, बिल्कुल पक्की बात, आप नकार नहीं सकते उसको, आप ना नहीं कह सकते, दूध में मक्खन नहीं, नहीं कह सकते। दूध में मक्खन भी है, लकड़ी में आग भी है, उसे जलाना पड़ेगा। वैसे ही समस्त जड़ चेतन पदार्थों में परमात्मा है, उसे देखना पड़ेगा।